अरे बहुत स्वागत 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 आप सभी का इस खूबसूरत टूर्नामेंट सीरीज 55 की ट्रॉफी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो टीमों के बीच में खेला जा रहा है, पहला है डेयर डेविल्स, दूसरा है विक्ट्री वाइपर्स। और जैसा कि आपने पिछले मैच के अंदर देखा था कि विक्ट्री वाइपर्स किस तरह से हार गए थे डेयर डेविल्स से, तो ये दूसरा मैच है इसी सीरीज का। तो देखते हैं इस मैच के अंदर जो है डेयर डेविल्स या विक्ट्री वाइपर्स कौन जीतता है। बट लेकिन कुछ भी कहो, मैच बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि विक्ट्री वाइपर्स ने कोई चेंजेस किए हैं या नहीं किए, या डेयर डेविल्स ने कोई चेंजेस किए हैं या नहीं किए। तो जैसा कि देख सकते हो कि दोनों ही टीमों के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस बार जो है टॉस इस मैच के अंदर डेयर डेविल्स ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो देखते हैं कि डेयर डेविल्स विक्ट्री वाइपर्स को कितना टारगेट देती है। तो चलिए लाइव मैच का आनंद उठाते हैं। बॉलिंग की शुरुआत कमलजीत तिलवाले करते हुए और ओपनिंग बैट्समैन जो है मोनू उपाध्याय, नॉन स्ट्राइकर पे है प्रिंस। पहली बॉल पर जो है कोई रन नहीं आया, दूसरी बॉल भी बीट करते हुए कमल। और ये तीसरी बॉल इन्होंने जो है भर के मारा है स्ट्रेट के अंदर सीधा बाउंड्री रेखा के बाद, चार रन्स। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोनू ने अपना खाता खोला। अगली गेंद फिर से बीट करते हुए मोनू को कमल। मोनू की खासियत है कि वो बहुत ही अच्छी ओपनिंग बैटिंग करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने पिछली बार भी पिछले मैच में उन्होंने 35 रन और कुछ विकेट्स लिए थे उन्होंने, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। और अगली गेंद यहीं पर उन्होंने उठा के मारा है। क्या ये छक्का हो सकता है? जी नहीं, ये पेड़ ने जो है छक्का रोक लिया और यहाँ पर सिर्फ सिंगल आएगा। तो पहले ओवर की समाप्ति पर डेयर डेविल्स का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। अब अगला ओवर रवि शर्मा लेते हुए, रवि जो है मोनू को बॉल डालेंगे। मोनू स्ट्राइक पर, पहली बॉल रवि की और पूरी तरह से बीट किया, बाल बाल बचे विकेट के, लग सकती थी। अगली गेंद रवि की और मोनू ने जो है स्ट्रेट के अंदर बहुत ही जान लगा कर मारा है, पर यहाँ पर सिंगल आएगा। अब प्रिंस जो है बैटिंग करने आ चुके हैं, पहली गेंद खेलेंगे प्रिंस रवि की और ये सिंगल के लिए निकालने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया, परंतु गेंद जो है स्टेडियम के बाहर चली गई। अगली गेंद रवि प्रिंस को डालते हुए, प्रिंस तैयार हैं और बड़े ही प्यार से उन्होंने फाइन लेग पर खेल दिया सिंगल के लिए और खाता खोल लिया प्रिंस ने अपना। प्रिंस बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अगर एक बार वो बाउंड्री मारना स्टार्ट करते हैं तो रुकते नहीं हैं। जब अगर इनको अगर रोकना है तो 2-3 ओवर के अंदर ही इनको जो है रोक लूँ। अगर ये 4-5 ओवर टिक गए तो मैच का जो रुख है वो किसी और ही दिशा के अंदर चला जाएगा। रवि की अगली गेंद मोनू को, मोनू तैयार, क्या मोनू वही पारी रिपीट कर पाएंगे? अगली गेंद और सीधा बोल्ड, मोनू चूक गए, 6 रन बनाए उन्होंने 10 बॉलों में। इसी के साथ में दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर में आए 2 रन और 1 विकेट। और यहाँ पर अगले बैट्समैन जो हैं वंश और अगले बॉलर कमलजीत तिलवालिया। कमल जो है प्रिंस को बॉल कराते हुए, प्रिंस स्ट्राइक पर, पहली गेंद कमल के खेलते हुए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जान लगा के शॉट मारा है और यहाँ पर फील्डर के सीधा हाथ में, कोई रन नहीं। अब यहाँ पर अगली गेंद कमल की प्रिंस को, प्रिंस तैयार और यहाँ पर वाइड दे दी गई दिशा से थोड़ा सा भटके। अगली गेंद कमल की, प्रिंस फिर से रेडी और प्रिंस ने बहुत ही तेज शॉट मारा है सीधा स्ट्रेट के अंदर, बाउंड्री, 4 रन। और अब जो है प्रिंस के हाथ खुल चुके हैं
जहां पर प्रिंस अब जो है शॉट मारने के लिए तैयार है अगली गेंद, और सिंगल ले लिया बड़े ही आराम से मिड ऑन की दिशा में। यहां पर वंश जो है बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं, टीम के लिए बहुत बार साथ दिया है। ये देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, और इन्होंने उठा के मारा है सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। मैंने कहा था पहले ही कि अगर ये जो बल्लेबाज है इनकी खासियत है अगली गेंद। ओ नो बॉल है, और यहाँ पर फ्री हिट मिलते हुए फ्री हिट के ऊपर क्या वंश फायदा उठा पाएंगे। यहाँ पर तेज मारा है शॉट, नहीं क्यारी के अंदर चली गई बॉल, और क्यारी में तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही रन है। तो क्यारी में बोल जाते ही आपको जो है स्ट्राइक भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको यहाँ पर एक रन मिल जाएगा। और अगली गेंद समाप्त हुआ, ओवर खाली गई थी, तीसरे ओवर में है 14 रन टोटल, 3 ओवर में 21 रन 1 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे जितेंद्र जायसवाल कप्तान साहब डालेंगे प्रिंस को। पहली बॉल प्रिंस ने उठा के मारा है, और यहाँ पर जो है सिंगल आना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बिटवीन द विकेट्स रनिंग, बहुत ही अच्छी रनिंग करी है इन्होंने, 2 रन बड़ी ही आसानी से चुरा लिए। और यहाँ पर प्रिंस अब जो है अपने हाथ खोलते हुए हर बॉल के ऊपर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। जितेंद्र की अगली बॉल प्रिंस, और प्रिंस ने भर के मारा है ऑफ साइड के अंदर, क्या ये बाउंड्री के बाहर जा पाएगा, और ये सीधा गया बाउंड्री के बाहर 6 रन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शॉट, और पीछे से कीपर भी कहते हुए ये भैया 6 रन है, इसको कोई नहीं रोक सकता, बाउंड्री के बाहर बॉल गई है। जितेंद्र की अगली बॉल प्रिंस, अब अगली बॉल पे क्या करेंगे, अगली बॉल वेट किया और वाइड दिशा से भटक गए। जितेंद्र की अगली बॉल प्रिंस तैयार, प्रिंस ने उठा के उठाने की कोशिश की थी, पर लेकिन यहाँ पर ऑफ साइड के अंदर सिंगल रन लेते हुए प्रिंस। अब अगली गेंद वंश को डालते हुए जितेंद्र, वंश तैयार अगली गेंद पर मारने की कोशिश, और ये बीट हुए पूरी तरह से बीट हुए। अगली गेंद जितेंद्र की, और ऑफ साइड में खेल दिया है इन्होंने, और यहाँ पर सिंगल निकाल लिया, सिंगल डबल और छक्के चौकों की गेम बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। डेयर डेविल्स पूरा फायदा उठाते हुए हर बॉल के ऊपर हिट करते हुए। जितेंद्र की अगली बॉल, और प्रिंस ने बहुत ही ज़्यादा तेज शॉट मारा है, और आसानी से इन्होंने जो है सिंगल चुरा लिया। तो सिंगल डबल और चौके छक्कों की गेम देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसी के साथ में जो है ओवर समाप्त होता हुआ, चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33-1। इस ओवर में आए 12 रन, कोई विकेट नहीं। 5 ओवर फिर से कमलजीत के हाथ में, और कमलजीत अपने बॉलिंग छोर से आते हुए अभी तक जो है प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है इनका। पहली बॉल ओ बीट हुए पूरी तरह से, प्रिंस को बीट करते हुए कमल अपनी अगली गेंद लेके, प्रिंस तैयार, और प्रिंस ने जो है भर के मारा है सामने वाला शॉट, और यहां पर रनआउट का चांस, और ये बच गए, रनआउट होते होते बच गए। इतना ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, आराम से खेलिए। अगली गेंद, और वंश ने जो है ऑफ साइड के ऊपर खेल दिया है बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर सिंगल आया, और साथ ही साथ में ये नो बॉल है और फ्री हिट भी। सो अब देखते हैं प्रिंस कितना फ़ायदा उठा पाते हैं फ्री हिट का। और ये कमल की अगली गेंद, और ये उठा के मारा है, ये बाउंड्री रेखा के बाहर पूरी तरह से फ़ायदा उठाया फ्री हिट का, और ये 6 रन, बहुत ही बढ़िया सुंदर शॉट। अगली गेंद के लिए तैयार प्रिंस, और फिर दोबारा से उठा के मारा है, ये तो भैया आप जो है सीमा रेखा के बाहर से लेके आइए, क्योंकि अब इनको रोकना जो है नामुमकिन सा होता जा रहा है विक्ट्री वाइपर्स के लिए, हर बॉल पे जो है प्रहार कर रहे हैं। अगली गेंद स्पिन पे आ गए, और आसानी से इन्होंने जो है सिंगल ले लिया, ये बहुत ही अच्छी रणनीति है, छक्के 2 लगाने के बाद में इन्होंने जो है सिंगल ले लिया। वंश स्ट्राइक पर कमलजीत की बॉल, और वंश ने जो है सामने की तरफ खेल दिया और आसानी से सिंगल ले लिया। इसी के साथ में 5 ओवर कंप्लीट होते हुए टोटल 50 रन, इस ओवर में आए 17 रन, और अगले ओवर की शुरुआत करते हुए सोनू, और सामने है वंश। सोनू की पहली गेंद, वंश ने जो है उठा के मारा है, ये गया सीमा रेखा के बाहर, ये भी 6 रन, क्या बात है, चौके छक्कों की इतनी बरसात कर दिया इन्होंने।
कि देखते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, हर बॉल के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये देखो अगली गेंद फिर दोबारा से उन्होंने ऑफ साइड के अंदर खेल दिया और आसानी से उन्होंने जो है सिंगल ले दिया। अब जो है प्रिंस स्ट्राइक पर आया है। अब प्रिंस को देखते हुए और ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि अब यही सोच रहे हैं हम कि अगली गेंद पे ये क्या करेंगे। हर बॉल पे चौके छक्के ये दिखा रहे हैं। और इसी बीच वाइड अगली गेंद सोनू की प्रिंस स्ट्राइक पर और प्रिंस ने भरकर मारा है स्ट्रेट और आसानी से ये सिंगल ले लेंगे। सिंगल डबल की भी गेम होनी चाहिए ताकि जो रन जो है रोटेट होते रहें, रुके ना। अगली गेंद और पूरी तरह से मिस किया सोनू ने वंश को। इसी बीच वंश तैयार, अगली गेंद सोनू की फिर दोबारा से मिस किया वंश को। क्या बात है, बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं। ऐसे प्रेशर के अंदर इतनी अच्छी गेंद डालना लाजवाब, काबिले तारीफ। अगली गेंद और दिशा से थोड़ा सा भटक गए और इन्होंने वाइड दे दी। अगली गेंद सोनू की और यहाँ पर वंश तैयार और वंश ने आगे बढ़ के मारा है ऑफ साइड के अंदर। क्या ये चौका हो पाएगा? नहीं। यहाँ पर आसानी से दो रन ले लिए तो अब यहाँ पर ओवर हुआ समाप्त और डेयर डेविल्स ने छठे ओवर में बने 12 रन, टोटल 62 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब जो है स्ट्राइक पर आएंगे प्रिंस और ओवर डाल रहे हैं सातवा वरुण। अब देखते हैं वरुण की बॉल पर प्रिंस जो है क्या रणनीति अपनाते हैं। पहली बॉल वरुण की लेग साइड पर वाइड आते ही अगली बॉल वरुण की सामने प्रिंस स्ट्राइक पर और वो मारने की कोशिश और यहां पर बीट हुए। और अगली बॉल प्रिंस तैयार और उन्होंने जो है स्ट्रेट के अंदर मार दिया है और यहाँ पर सिंगल निकलता हुआ, बहुत बढ़िया। और अब आते हुए वंश, वंश ने जो है ऑफ साइड के ऊपर फिर से सिंगल निकाल लिया। सिंगल डबल की जो है गेम चल रही है, सही रणनीति से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं स्कोर को धीरे धीरे। जो बॉल आ रही है उस बॉल के ऊपर वो हिट कर रहे हैं जो हिट करने वाली है। ये देखिए और इन्होंने जो है किसी का लिहाज ना करते हुए सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर बॉल को पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। अगली गेंद वरुण की प्रिंस स्ट्राइक पर और प्रिंस ने जो है दम लगाकर मारा है स्ट्रेट के अंदर और सिंगल निकाल लिया, फील्डर मौजूद। अगली गेंद वंश, वंश तैयार, वरुण, वरुण ने डाली बॉल और ये उन्होंने भी वही काम किया जो प्रिंस ने किया था, सीधा बाउंड्री रेखा के बाद 6 रन, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में ओवर कंप्लीट हुआ, 7वें ओवर में आए 15 रन, टोटल 78 रन पर एक विकेट, 7 ओवर में 78 रन, बहुत बढ़िया। अगली गेंद रवि लेके आते हुए, रवि प्रिंस को डालेंगे, प्रिंस तैयार, पहली बॉल पे बहुत बढ़िया सीधा स्ट्रेट और ये 6 रन, 9 बॉल भी है प्लस में फ्री हिट भी, क्या बात है, सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर। अगली गेंद तैयार प्रिंस और प्रिंस ने जो है बहुत ही बढ़िया जो है इस चीज का फायदा उठाया और इस बॉल पर निकला 4 रन, बहुत बढ़िया। प्रिंस जो है बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और वंश बखूबी उनका साथ निभा रहे हैं, दोनों ही छोर से रनों की बरसात हो रही है। अब रवि की अगली गेंद, प्रिंस तैयार और यहां पर आराम से उन्होंने सिंगल निकाल लिया। तो अभी तक जो है ये हो गए प्रिंस के 50 रन पूरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया खेले आप इस मैच के अंदर। इसी बीच रवि की अगली गेंद और ऑफ साइड के अंदर आराम से इन्होंने सिंगल निकाल लिया। तो ये बहुत ही अच्छी रणनीति से चल रहे हैं, छक्के चौकों की बरसात करते हुए सिंगल डबल भी पूरी गेम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब अगली गेंद रवि शर्मा की, प्रिंस क्या करते हैं, प्रिंस ने जो है उठा के मारा है ऑफ साइड के अंदर, क्या ये कैच हो पाएगा, क्या ये बाउंड्री के बाहर हो पाएगा और यहाँ पर मिल गया चौका बाउंड्री के बाहर, क्या बात है। ये प्रिंस की अब बल्लेबाजी को रोकना नामुमकिन है, क्या ये पूरे ओवर खेल पाएंगे। ओह पूरी तरह से बीट किया, बहुत बढ़िया बॉल डाली रवि आपने, अगली बॉल रवि की और प्रिंस ने जो है लॉन्ग ऑन के ऊपर सिंगल निकाल लिया। इसी बीच ओवर खत्म हुआ रवि का, 8 ओवर के अंदर टोटल रन 96 रन और
इस ओवर में 18 रन। अगला ओवर कप्तान साहब जितेंद्र डालेंगे प्रिंस को, प्रिंस हैं अब तैयार। और इसी के साथ में पहली बॉल, और ये मारने के चक्कर में कहां से बॉल उड़ गई आगे से सीधा। इसी बीच अगली गेंद जितेंद्र की, और प्रिंस ने जो है उठा दिया है, कैच हो पाएगी क्या? ओ ड्रॉप कर दी, कैच ड्रॉप कर दी, ऐसे मौके पे ड्रॉप कर दी है। ओ जितेंद्र अब वंश को डालते हुए, वंश तैयार। वंश जो है बहुत ही अच्छा खेले अभी तक इस इनिंग के अंदर, आगे बढ़ के मारने की कोशिश, और ये स्टंप आउट हो गए वंश। 27 रन बनाकर आउट हुए 17 गेंदों में, बहुत ही अच्छी बारी थी। नए बैट्समैन है हेमंत, और जितेंद्र हेमंत को डालते हुए जितेंद्र की पहली बॉल को फेस करेंगे हेमंत। हेमंत ने मार दिया ऑफ साइड के ऊपर, और ये पूरा बाउंड्री रेखा के बाहर जाता हुआ 6 रन। कोई भी जाके लेके आओ, मगर बॉल को तो लेके आओ। अगली बॉल हेमंत तैयार, हेमंत की अगली बॉल, और ये फिर दोबारा से वही शॉट, वही सेम, और ये 6 रन। क्या बात है भैया, आप जाओ बॉल लेके आओ, बाउंड्री के बाहर गई है बॉल, ठीक है। इनके तो शॉटों से लगता है कि ये रुकने वाले नहीं है। अगली गेंद, कोई रन नहीं आया। इसी तरह से ओवर की समाप्ति हुई, 9 ओवर के अंदर 109 रन, और 9वें ओवर में आए 13 रन। अब तैयार हैं प्रिंस आखिरी ओवर खेलने के लिए। रवि, रवि की पहली बॉल, और ये लग गई पैर पे, ओ मिस हो गए। अभी तक बहुत अच्छी पारी खेली है, आखिरी ओवर में देखते हैं कि क्या कमाल दिखाते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा तेज शॉट मारा था, सीधा हाथ में गई रवि के, और रवि ने कैच ड्रॉप कर दी। बहुत ज़्यादा तेज कैच थी, पकड़ना थोड़ा सा नामुमकिन था। अगली गेंद, इसी बीच प्रिंस ने आगे बढ़ के मार दिया है, और ये गया बाउंड्री के बाहर। भैया इसे तो जो है आप आसमान से चुरा कर लेके आएंगे तभी मिल पाएगी बॉल, वरना ये तो गायब हो चुकी है बाउंड्री के बाहर। ये सीधा 6 रन। अगली गेंद रवि की, देखते हैं प्रिंस क्या करते हैं। तैयार, और ये वाइड। अगली गेंद, और ये भर के मारा है सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर, 6 रन। कोई नहीं रोक सकता इस 6 रन को। तो आज छक्कों की बरसात देखने को मिली है, और तबीयत से धोया है प्रिंस ने विक्ट्री वाइपर्स को। ओ ये जो है स्टंपिंग हो सकती थी, मगर बच गए क्योंकि वो लाइन के अंदर थे। इसी बीच अगली गेंद वाइड कराते हुए, और आखिरी गेंद इनिंग की, पहली इनिंग की, और ये जो है प्रिंस ने आसानी से सिंगल ले लिया। इसी बीच 10 ओवर की समाप्ति पर डेयर डेवल्स का स्कोर है 124 रन पे 2 विकेट, और लास्ट ओवर में आए 15 रन। अब हम आपको छक्कों की हाइलाइट्स दिखाते हैं। ये पहला छक्का, ये दूसरा छक्का हमारा, ये तीसरा छक्का, और ये चौथा छक्का, ये पांचवा छक्का, और अब ये छठा, और ये सातवां, और ये आठवां, ये नौवां, और ये दसवां, और ये 11वां, और ये 12वां। टोटल 12 छक्के लगे इस इनिंग के अंदर। अब दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर टारगेट जो है 125 रन का है 10 ओवर में। तो बैटिंग की शुरुआत अब करते हैं, जिसमें पहला ओवर जो है हेमंत डाल रहे हैं, और ओपनिंग साझेदारी है, ओपनिंग पर आए हैं जितेंद्र जायसवाल और उदय। ये पहली बॉल हेमंत की जितेंद्र को, और कोई रन नहीं आया। तो कप्तान साहब इस बार ओपनिंग पे आए हैं, और ओपनिंग पे आते के साथ में दूसरी बॉल, और दूसरी बॉल पे आते ही हिट मार दिया। क्या बात है, क्या बात है, ये गया सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर पेड़ों के पास में 6 रन। अगली गेंद, अगली गेंद दोबारा हिट करने की कोशिश, जितेंद्र मिस हुए, और कोई रन नहीं आया। अब अगली गेंद हेमंत की, और ये इन्होंने उठा के मार दिया है, बहुत ही ऊँचा है ये बाउंड्री रेखा के बाहर में 6 रन। तो जितेंद्र जो है सोच के आया है कप्तान साहब कि मुझे पहली गेंद से, पहले ही ओवर से मुझे हिट करना है, जिससे कि उनका जो स्कोर जो उनको बनाना है 125 रन का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। इसी बीच अगली गेंद,
और फिर से उन्होंने उठा के मारा है। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और ऊंचाई भरा शॉट है। क्या ये बाउंड्री रेखा के बाहर, ये पूरा ही स्टेडियम पार जाता हुआ 6 रन। तो जितेंद्र ने पहले ओवर के अंदर 18 रन जो है कर दिए। दूसरा ओवर साहिल लेके आते हुए, साहिल जो है अपनी पहली बॉल डालेंगे उदय को। उदय तैयार, पहली बॉल साहिल की और शुरुआत ही साहिल ने वाइड से किया। अगली गेंद, उदय तैयार, साहिल की बॉल, ओ पूरी तरह से बीट किया, बहुत ही अच्छी गेंद थी। अगली गेंद साहिल की, उदय को फिर दोबारा से बीट किया। उदय की काफ़ी टाइम से बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है, पर वो कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही सुधार होगा। अगली गेंद और इस बॉल पर आराम से ये सिंगल आता हुआ, उदय ने अपना खाता खोला। अब साहिल जितेंद्र को कराते हुए, देखते हैं अब कप्तान साहब क्या करेंगे इस बॉल के ऊपर। और उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा तेज भरा, बहुत ही ज़्यादा दम से मारा उन्होंने शॉट, और ये आराम से उन्होंने 2 रन निकाल लिए इस बॉल पे, बहुत ही बढ़िया। अब अगली गेंद साहिल के जितेंद्र को, जितेंद्र तैयार, और ये बोल्ड जितेंद्र जायसवाल आउट होते हुए 20 रन बनाए उन्होंने 8 बॉलों पे, बहुत ही अच्छा खेले। अगले बैट्समैन, नए बैट्समैन है सोनू, सोनू सामना करेंगे साहिल का। साहिल की बॉल सोनू को पहली, और ये मिस कर दिया, कैच होते होते बच गए क्योंकि कैच हो गया ड्रॉप। इसी बीच दूसरा ओवर खत्म हुआ, दूसरे ओवर में 4 रन, टोटल 22 रन 2 ओवर के अंदर और 1 विकेट। अगला ओवर डालेंगे हेमंत, अभी पिछले ओवर में उन्होंने जो है 18 रन खाए थे, अब हेमंत डालेंगे उदय को पहली बॉल, और ये कोई रन नहीं क्योंकि जो बॉल है वो ग्राउंड से बाहर चली गई लेग साइड में। हेमंत की अगली बॉल और उन्होंने फिर से उठा के मारा है, और इसी दौरान 1 रन पूरा कर लिया। अब हेमंत डालेंगे सोनू को, सोनू है तैयार, पहली गेंद सोनू खेलते हुए हेमंत की, और उन्होंने स्ट्रेट के अंदर लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधा शॉट मारा है जो कि गया 4 रन के लिए, बहुत अच्छी प्लेसमेंट की है उन्होंने, पूरा बॉल को परख कर और उसको बहुत ही अच्छा प्लेस कर दिया था जिससे कि 4 रन आए, और पूरा सम्मान देते हुए इस बॉल को। इसी बीच अगली गेंद हेमंत सोनू को, सोनू ने जो है लेग साइड के ऊपर मार दिया है जिसके अंदर कोई भी स्कोर नहीं है। इसी बीच हेमंत का ओवर कंप्लीट होते हुए तीसरे ओवर में आए 5 रन, टोटल 27 रन पे 1 विकेट। अगला ओवर शुरुआत करेंगे प्रिंस, प्रिंस डालेंगे उदय को, उदय तैयार, पहली बॉल ऑफ साइड के ऊपर खेल दिया इन्होंने, और ये आसानी से ले लिया 1 रन। अब जो है प्रिंस डालेंगे सोनू को, सोनू है तैयार, सोनू बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे शॉट मारते हैं स्ट्रेट के अंदर। अगली गेंद इसी बीच में, और सोनू ने उठा दिया है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या ये कैच हो पाएगा, नहीं, ये गया बाउंड्री के बाहर सीधा 6 रन के लिए, बहुत बढ़िया शॉट इन्होंने मारा है। इसी बीच अगली गेंद प्रिंस की सोनू को, सोनू तैयार, और सोनू ने फिर से जो है मारने का प्रहार किया, बट लेमन कट की वजह से बॉल जो है बैक साइड के ऊपर गई और 1 रन आसानी से ले लिया। अगली गेंद प्रिंस की और ऑफ साइड के अंदर उदय ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है, काफ़ी देर के बाद में इतने अच्छे अच्छे शॉट दिख रहे हैं उदय के बैट से भी, और सीधा 1 रन के लिए, बट वो कैरी में गया था तो इस वजह से उदय जो है क्रीज पर थे, बट इसी बीच उदय आउट होते हुए उदय ने बनाए 4 रन और 8 बॉल में। अगले बैट्समैन वरुण रजौरिया, वरुण को बॉल डालेंगे प्रिंस, प्रिंस की पहली बॉल खेलते हुए वरुण, और वरुण ने उठा के मारा है स्ट्रेट के अंदर, क्या ये चौका छक्का हो पाएगा, नहीं, ये हुआ 1 रन, बहुत बढ़िया। इसी बीच ओवर खत्म होता हुआ प्रिंस का चौथे ओवर में आया 10 रन, टोटल 1 विकेट और टोटल रन हुए 37 पे 2। पांचवा ओवर लेंगे नवीन कुमार, नवीन कुमार डालेंगे वरुण को, वरुण है तैयार, नवीन की पहली गेंद खेलते हुए, और पहली गेंद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफ साइड के ऊपर तन तनाता हुआ शॉट मारा है सीधा 6 रन। तो इसी बीच वरुण ने अपना खाता खोल लिया है 6 रन बाउंड्री के साथ में। अगली गेंद फिर से उन्होंने जो है ऑफ साइड के अंदर खेल दिया है, पर लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, हेमंत की बहुत ही अच्छी बढ़िया फील्डिंग,
नवीन की अगली गेंद, वरुण तैयार, और वरुण ने फिर से ऑफसाइड के अंदर खेल दिया है और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बाउंड्री रेखा के बाद में सीधा 6 रन। और अब वरुण को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि वरुण जो है अपना सोच के आया, कप्तान साहब से उन्होंने बातें की थी कि वो जाएंगे और सीधा हिट करेंगे। इसी बीच अगली गेंद पर रन आउट होते होते बचे, पर लेकिन सिंगल आराम से निकाल लिया। अब नवीन की अगली बॉल सोनू को, सोनू तैयार और ये बोल्ड, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली है। सोनू आउट होते हुए 11 रन बनाए 8 बॉलों में। नए बैट्समैन है रवि शर्मा, नवीन डालेंगे रवि को, रवि है तैयार। पहली गेंद रवि की और ये कोई स्कोर नहीं। इसी बीच ओवर हो तो वह ख़त्म, 5 ओवर में आए 13 रन, टोटल 5 ओवर के अंदर 50 रन और 3 विकेटों पर है विक्ट्री वाइपर्स। 6 ओवर साहिल का, साहिल डालेंगे वरुण को, वरुण है तैयार। वरुण की बैटिंग का जवाब नहीं, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ में खेलते हैं ये, सिंगल डबल चौके छक्के। पहली बॉल और ये आउट होते हुए बहुत ही तेज अपील है, क्या ये आउट हो पाएंगे, क्या अंपायर आउट देंगे, निक की तो आवाज आई है पर ओ कोई आउट नहीं, कोई विकेट नहीं, निराश जरूर होंगे। अगली बॉल और ये बोल्ड, वरुण आउट हो गए 14 रन बनाकर 7 गेंदों में। अगले बैट्समैन कमल जीत तिलवाली, सारी चंबारी जितनी उड़ती जा रही है, क्या कमल अपनी टीम को पहुंचा पाएंगे स्कोर तक। पहली बॉल खेलते हुए कमल और बॉलर है साहिल, साहिल ने डाला बॉल कमल को और बहुत बढ़िया फील्डिंग ऑफ साइड के ऊपर हेमंत की, कोई रन नहीं इस बॉल के ऊपर। अब इसी बीच अगली बॉल साहिल डालेंगे कमल को, कमल ने उठा के मारा है और ये क्या बॉल बाहर गई है, जी हाँ ग्राउंड से बाहर गई बॉल और कोई स्कोर नहीं। इसी बीच अगली बॉल और कमल ने खेल दिया है ऑफ साइड के अंदर, क्या ये रन आउट हो सकता है, क्या ये रन आउट हो सकता है, नहीं कोई स्कोर नहीं इस बॉल के ऊपर। दोनों के बीच में तालमेल की बहुत ही ज़्यादा कमी दिखी थी पिछली बॉल पर। तो साहिल की अगली बॉल, इसी बीच साहिल ने डाली कमल को और कमल ने भर के मारा है, बहुत ही जोर की शॉट है ये, क्या ये छक्का हो पाएगा, क्या ये चौका हो पाएगा, और ये है 6 रन। तो कमल ने अपना खाता खोल दिया 6 रन से। इसी बीच 6 ओवर खत्म हुआ 6 रन आते हुए टोटल, और 7 ओवर डालेंगे नवीन, नवीन डालेंगे रवि को, रवि तैयार। पहली बॉल ही वाइड इन्होंने डाल दी है, तो वाइड का सिलसिला यानी ख़त्म नहीं होगा, पिछले मैच से रेगुलर बहुत ज़्यादा वाइडें कर रहे हैं। अब अगली गेंद नवीन की, रवि को पूरी तरह से बीट किया और पहली बॉल के ऊपर कोई स्कोर नहीं। अगली गेंद नवीन की, रवि को, रवि तैयार। रवि ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है स्ट्रेट के अंदर, पर लेकिन सीधा नवीन के हाथों के अंदर, तो कोई स्कोर नहीं। रवि अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, चौके छक्कों के लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो करिश्मा कर पाएंगे फिर दोबारा से जो वो पहले मैचेस के अंदर करते आ रहे हैं, तो देखते रहिएगा मेरे साथ में। नवीन की अगली बॉल, रवि तैयार। इसी बीच और ये पीछे कैच, कैच आउट हो गए रवि, रवि ने बनाए 0 रन 5 बॉले खेली। अगले बैट्समैन है शुभम और शुभम को डालेंगे नवीन बॉल, नवीन की बॉल शुभम को, नवीन ने शुभम को जैसे ही डाला शुभम ने बहुत ही जोर की शॉट मारा है सीधा स्ट्रेट ड्राइव के, और यहाँ पर आसानी से 1 रन मिल गया। अब नवीन डालेंगे कमल को, कमल की अगली गेंद, कमल ने खेली सीधा 1 रन के लिए, तालमेल में गड़बड़ और ये रन आउट, शुभम रन आउट हो गए 1 रन बनाकर एक ही बॉल खेलकर। इसी बीच विक्ट्री वाइपर 7वें ओवर में आए 2 रन, टोटल हुए 58 रन। नए बैट्समैन है वीनू, 8 ओवर करते हुए हेमंत, हेमंत ने डाली वीनू को बॉल और ये पहली गेंद डाली वाइड। अगली गेंद हेमंत की वीनू को, वीनू ने मारने की कोशिश के अंदर पीछे गई आराम से और फिर से खाली, हेमंत डालेंगे वीनू को, वीनू की अगली गेंद फिर दोबारा से बीट किया। वीनू को सुधार करना होगा अपनी बैटिंग के अंदर, देख कर मारनी होगी अगली गेंद और ये इन्होंने मार दिया है थर्ड मैन की दिशा के अंदर सीधा 2 रन, ग्राउंड से बाहर सीधा 2 रन, बहुत बढ़िया शॉट। अगली गेंद हेमंत की वीनू को, वीनू ने मारने की कोशिश के अंदर और ये बोल्ड हो गए, वीनू आउट हुए, वीनू ने मारे 2 रन 4 बॉल के अंदर। नए बैट्समैन है योगेश, योगेश को डालेंगे हेमंत, पहली बॉल योगेश की और योगेश ने शॉट मारा है, क्या बढ़िया शॉट मारा है,
ऑफ साइड के ऊपर और आराम से इन्होंने एक रन निकाल लिया। कमल अभी भी खड़े हुए अपनी पूरी प्रतिभा दिखाते हुए और इसी बीच अगली गेंद पर आराम से कमल ने जो है सिंगल ले लिया। डबल का प्रयास कर रहे थे पर लेकिन कमल ने रोक दिया। इसी बीच ओवर खत्म होता हुआ आठवें ओवर में आए 5 रन, टोटल 63 पर 7 विकेट हो चुके हैं। नोवा ओवर डालेंगे ब्रह्मदेव शर्मा। ब्रह्मदेव शर्मा कमल को डालेंगे पहली बॉल। कमल ने आगे बढ़ा, उठा के मार दिया है। क्या ये बाउंड्री के बाहर जाएगा सीधा? और ये गया बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बहुत बढ़िया कमल। अब इसी बीच अगली गेंद ब्रह्मदेव शर्मा आगे बढ़ के मारने की फिर से प्रयास करते हुए और सिंगल आ सकता था बट कमल ने मना किया कि मैं ही स्ट्राइक रखूंगा। और अगली गेंद ब्रह्मदेव शर्मा और ये उठा के मारा है। क्या ये कैच हो सकता है? क्या ये कैच हो सकता है? जी हाँ, ये कैच हो गया और कमल आउट हो गए 13 रन पे। नए बैट्समैन आए रितेश। रितेश और यहाँ पे ब्रह्मदेव डालेंगे रितेश को बोल। रितेश तैयार पहली गेंद और ये खाली होते हुए 0 रन। अगली गेंद ब्रह्मदेव शर्मा की रितेश को और इन्होंने फिर से जो है खाली निकाली बट ये वाइड थी, सर से ऊपर वाइड गई। इसी बीच अगली गेंद ये आया नो बॉल। नो बॉल के ऊपर आए रितेश ने भाग लिया है 1 रन और फ्री हिट है तो फ्री हिट के ऊपर क्या करते हैं। और ये ब्रह्मदेव की अगली बॉल और ये खाली होते हुए। सो इससे अगली बॉल फिर से और ये उठा के मारा है। क्या ये कैच हो पाएगा? क्या ये आउट हो पाएंगे? जी नहीं, इस पर आ गए 2 रन। बैट्समैन ने अपना जो है बैट छोड़ दिया, चप्पलें छोड़ दी और सीधा पहुंच गए अपने सही जगह पर। 9वें ओवर में आए 10 रन, टोटल 73 रन पे 8 विकेट। अब डालेंगे सूरज नया ओवर। सूरज की पहली गेंद पर रितेश ने ले लिया सिंगल ऑफ साइड के अंदर। फिर दोबारा से चेंज किया गया क्योंकि यहां पर 10वां ओवर। अब डालेंगे नवीन कुमार। नवीन की पहली बॉल योगेश को। योगेश तैयार और नवीन की पहली गेंद और ये उठा के मारने की सोची बट वो खाली हो गई। इस पर आए 0 रन। अब अगली गेंद नवीन कुमार की। अब तो सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है मैच के अंदर। ये कंफर्म है कि डेयर डेवल्स जो है ये मैच जीत जाएंगे। और इसी बीच नवीन की अगली गेंद और ये आउट हो गए। योगेश आउट हुए, सीधा कैच दे दी कीपर को। 1 रन बनाया 3 बॉलों के अंदर। अगले बैट्समैन है नन्नू। नन्नू तैयार और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आते लास्ट में पर लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करके जाते हैं। ये देखो नन्नू की अगली गेंद पहली बॉल खेलते हुए पर लेकिन नवीन ने दे दी वाइड। नवीन अब कराएंगे नन्नू को। नन्नू की पहली बॉल और नन्नू ने मारने की कोशिश की बट कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। नन्नू की अगली गेंद इसी बीच मिडाउन के ऊपर खेल दिया नन्नू ने। नन्नू यहाँ पर अकेले ही भागते हुए प्रयास करते हुए फिर दोबारा से क्रीज पे आना पड़ेगा क्योंकि अभी ओवर ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसे ही ओवर ख़त्म होगा वैसे ही हम जीत की घोषणा करेंगे। नवीन की अगली गेंद नन्नू को। नन्नू तैयार। नन्नू ने फिर दोबारा से पैर पर बॉल खाई और गया पीछे। इसी बीच 10वां ओवर कंप्लीट हुआ। 4 रन आए 77 पर 9 विकेट और डेयर डेविल्स जीत गई। तो ये विक्ट्री वाइपर्स के छक्के देखते हैं। पहला छक्का, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, ये छठा छक्का और ये कमल का आखिरी 7वां छक्का और एक और। We'll be right back.